मांगना और न्याय मांगने वालों के साथ खड़ा होना भी जैसे गुनाह हो गया हो। अभी 24 जून को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने जो डिसीजन दिया उसको देखते हुए तो यही लगता है कि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उस स्तंभों में से सारे स्तंभ एक एक करके धराशायी हो गए हैं। अब जाकिया जाफरी की जो पिटीशन थी उन्होंने अपनी उस पिटीशन में क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था ना कि SIT ने गुजरात के जो 2002 के दंगों में मोदी सरकार को जो कि उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे और उनकी टीम को जो क्लीन चिट दी है वो ठीक नहीं है और उसके सामने आप अपना फैसला सुनाइए। अब जब इस बात के जहाँ पे सिर्फ ये फैसला देना था कि क्लीन चिट बराबर दी क्या नहीं दी, उसके ऊपर जाके जो प्रेयर थी उससे भी आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार की जो छवि को बिगाड़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी FIR दाखिल होनी चाहिए, उनको भी प्रोसिक्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पे उस जजमेंट से तुरंत ही प्रेरित होके और जैसे वो चाहते थे और वैसा मिला, या तो ये कोई षड्यंत्र का भाग था कि उनको इस तरह का जजमेंट चाहिए था, तुरंत अहमदाबाद से ATS की टीम निकलती है और मुंबई से तिस्ता सेतलवाड़ जी को पकड़ के लेके आती है। ये वही तिस्ता सेतलवाड़ मानव अधिकार की एक मूवमेंट लड़ने वाली एक जुझारू महिला है जो पूरे गुजरात सरकार में जब 2002 के दंगे चल रहे थे उसके दौरान और उसके बाद वो मुस्लिमों के साथ खड़ी रही और उनकी आवाज़ बनके उसने हर मोर्चे पे ये मोदी की सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठाई, मुस्लिमों की आवाज़ उठाई। उन तिस्ता से तलवाड़ को, BR श्री कुमार को और संजीव भट्ट को इन्होंने सजा सुना, उन्होंने FIR करने का आदेश दिया और FIR करके उनको जेल में डाल दिया गया है और संजीव भट्ट तो अब पहले से ही जेल में है। तो साथियों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, एक एडवोकेट के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस केस के अंदर यह एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में ये एक धब्बा रहेगा क्योंकि इस केस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सरेआम भंग हुआ है। और ये जो अमित शाह इस केस के डिसीजन के बाद आते हैं और कहते हैं कि भाई हम नरेंद्र मोदी के सर मुँह पे जो दाग लगा था वो दाग मिट गया, अरे अमित जी दाग मिटा नहीं है, दाग को छुपा लिया गया है, आप लोगों ने मिलके दाग को छुपाया है, दाग मिटा नहीं है, सबकी मिली भगत की वजह से इस तरीके से ये डिसीजन आया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हर किसी का एक दिन आता है, अभी आप ऊपर बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाइए पर गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि गुरुत्वाकर्षण में कोई भी चीज़ चाहे कितने भी ऊंची चली जाए पर एक न एक दिन उसे नीचे आना ही पड़ता है, एक दिन आप लोगों को भी नीचे आना पड़ेगा। और आपने एक औरत की हाय ली है, ऐसे तमाम मुस्लिमों की हाय ली है जो निसहाय थे, निर्दोष थे, जिनका कोई रोल नहीं था, उन लोगों के साथ आपने कत्लेआम कराया है। और ये हर एक जो समझने और जानने वाले हैं चीख चीख के बोलेंगे, आज नहीं तो कल बोलेंगे और ये सच सबके सामने आएगा। और ये सच छुप सकता है कुछ समय के लिए परंतु सच मिट नहीं सकता है, चाहे आप कितना भी सच मिटाने की कोशिश करो पर ये 2002 के दंगे का सच आज नहीं तो कल आएगा और सर चढ़ के बोलेगा, ये मेरा आपसे दावा है। बस इतना ही आज के लिए, नमस्कार, जय भीम। साथियों मेरा नाम रत्ना वोरा है, मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को आप अगर पसंद करें तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही नमस्कार, जय भीम।